गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूपी पुलिस जो भी बनना चाहता है, और जो अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, उनका अगर पेपर नहीं निकला था फ्रेंड्स, अब आपके लिए चांस है कि आप अब इन 50,000 वैकेंसीज में से लगभग आप अपने लिए एक वैकेंसी तो निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, लगभग ये देखिए 50,000 के करीब ही वैकेंसीज हैं, और फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, अभी री एग्ज़ाम बोलेंगे, वो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और अभी दोबारा से कल रात को एक नोटिफिकेशन आया है यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस पर 21 पेजों की ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल पीडीएफ फाइल आई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन वो ही इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हमारे काम की है। बाकी 21 पेज तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो देखिए, जब भी हम वीडियो बनाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड अगर वीडियो बनाते हैं, तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, या फिर जाकर आप टेलीग्राम का जो ग्रुप रहता है, वो टेलीग्राम का ग्रुप जो है पहले ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर डेली बेसिस पर पीडीएफ जो आपका करंट अफेयर रहता है उसकी, और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है उसकी पीडीएफ, और बाकी पीडीएफ और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि एक बार चेकआउट कीजिएगा ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट पर, और टेलीग्राम ग्रुप भी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट डेट्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, देखिए अभी तो जो है प्रेस रिलीज ने दिया है 9/10/2018 को, मतलब कि जो एप्लीकेशन जो होंगी, देखिए जो नोटिफिकेशन आया, वो देखिए नोटिफिकेशन आया 16 तारीख को। कब आया, 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन जो भरी जाएगी वो 19/11/2018 को। प्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि इतनी वैकेंसीज आनी है, मतलब वैकेंसीज प्रेस ने रिलीज कर दी थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वो कल आया है, 16/11/2018 को रात में आया है। और एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 19/11/2018 से। और लास्ट डेट की बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आप 8/12/2018, यानी 8 दिसंबर तक, ओके। और पेमेंट फीस की बात करें तो 8 ही रहेगा, 8/12/2018। और लास्ट पेमेंट ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, चालान के द्वारा आप कर रहे हैं, तो चालान से भी आप पेमेंट करेंगे ऑफलाइन, तो 10/12 यानी कि 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एग्ज़ाम डेट आपकी रहेगी 4 से 5 जनवरी 2018 2019, ठीक है। तो ये जो है बढ़ भी सकती है, उन्होंने ऐसा बोला है, 1-2 दिन बढ़ सकती है, लेकिन वैसे जितना उन्हें बोला जाता है उतना ही आपकी डेट होती है। तो 5 और 4 और 5 जनवरी 2019 हो सकती है डेट। एडमिट कार्ड जो रहेगा वो दिसंबर 2018 में आ जाएगा, ठीक है। कब आ जाएगा, दिसंबर 2018 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके काम की हैं, बेहद काम की हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी जनरल ओबीसी के लिए 400, एससी एसटी के लिए भी 400 लगेगी, ठीक है। पेड एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन फ़ी मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप या चालान से करवाएं, तो 400 रुपये लगेंगे सभी के लिए, 400 रुपये 400 का ये फॉर्म है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और भी इंफॉर्मेशन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज कितनी है, सबसे मेन चीज़ मेल के लिए, फीमेल के लिए कितनी है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि इसमें देखिए टोटल वैकेंसीज हैं 49,568, ठीक है। और उसमें से 31,360 वैकेंसी मेल और फीमेल किसके लिए, कांस्टेबल और फीमेल आर रिजर्व फॉर सिटीजन पुलिस, किसके लिए, रिजर्व फॉर सिटीजन पुलिस के लिए हैं, ठीक है। और ये 18,208 जो है रिजर्व फॉर टेरिटोरियल आर्म कॉन्स्टेबलरी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेबल के लिए हैं 18,208 जो वैकेंसीज हैं, ठीक है। और जो है देखिए, ये जो यहाँ पर है, ये जो आर्म कॉन्स्टेबलरी जो फॉर्म है, जो वैकेंसीज है वो ओनली फॉर मेल के लिए है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, अगर आप देखिए फीमेल तो इसे भर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि फीमेल के लिए है ही नहीं। तो रिजर्व फॉर टेरिटरी आर्म कॉन्स्टेबलरी
ओनली फॉर मेल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है। यू कैन चेक जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिटेल हमने जो नीचे दिया अभी भी हम जो आपको बता रहे हैं वो भी देखते हैं आप नीचे ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए उत्तर प्रदेश रिजर्व सिटीजन पुलिस यानी कि आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कितनी क्या वैकेंसीज हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए जनरल कैटेगरी के देखिए तो 15,681 वैकेंसीज हैं, 15,681 वैकेंसीज। ओबीसी के लिए 8,467, एससी के लिए 6,585 और एसटी के लिए 627 और टोटल मिलाकर अगर देखें तो 31,360 वैकेंसीज हैं आरक्षी नागरिक पुलिस की वैकेंसीज ठीक है। आगे देखते हैं और भी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश रिजर्व टेरिटरी आर्म कॉन्स्टेबलरी ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये आरक्षी प्रशिक्षक आर्म कॉन्स्टेबलरी की जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए है, किसके लिए है, मैन के लिए है। तो मैन के लिए यहाँ है, वुमेन के लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जनरल के लिए वैकेंसी होंगी 9,104, ओबीसी के लिए होंगी वैकेंसी 4,916 और एससी के लिए होंगी 3,824 और एसटी के लिए बात करें तो 364 वैकेंसीज हैं और टोटल हैं 18,208 वैकेंसी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का। तो अगर यूपी पुलिस में देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलूँ अगर इतने वैकेंसीज थी, वैकेंसीज में जो री एग्ज़ाम हुआ था जो जिस व्यक्ति का होना था उनका तो हो गया, अब जिसका नहीं हुआ आपके पास चांस है, जिसका नहीं हुआ है तो आप फॉर्म जरूर फिल करें। ये ना देखेंगे फॉर्म फिल मतलब गड़बड़ी हो रही है यूपी बोर्ड में ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने लगभग 50K आपके लिए वैकेंसी निकाली है तो फ़ायदा उठाइए और इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी ले लिए। और फ्रेंड्स इस वैकेंसीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी और लेके आऊँगा, अभी तो पूरी वीडियो बाकी है और फ्रेंड्स और भी वीडियोस जो बनाऊंगा मैं आपके एमपी पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए सॉरी, उसमें क्या है बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देखिएगा अब यहां पर देखते हैं एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या होगी और सबसे पहली बात एक चीज़ देखेंगे प्रोविजनल आर्म कॉन्स्टेबलरी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ये तो हमने देख चुके हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे जो आपकी पुलिस की वैकेंसी है, तो देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्ज़ाम, मतलब कि उसको इंटरमीडिएट पास करना ज़रूरी है, 10+2 पास करना ज़रूरी है। और आगे देखते हैं एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए बिटवीन एज 18 एंड 22 मतलब 18 और 22 के बीच होना चाहिए और एज पर कितने से 1/7/2018 तक और दोज कैंडिडेट हु आर बॉर्न बिटवीन 2/9/1996 एंड 1/7/2000 इंक्लूड बोथ डेट्स, मतलब दोनों की दोनों डेट्स होंगी और वो एलिजिबल होंगे, दोनों डेट्स इंक्लूड हो जाएंगी ये दोनों डेट्स और वो दोनों एलिजिबल होंगे ठीक है। और कितनी एज होनी चाहिए 18 से 22 तक। आगे देखेंगे फीमेल के लिए कैंडिडेट, फीमेल के लिए कैंडिडेट बिटवीन 18 से 25 साल चलेगी और वो देखिए कहाँ तक कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2018 तक ठीक है। और कौन सी दो डेट जो रहेंगी वो आपको मेंशन की जाएंगी 2/7/1993 और 1/7/2000 ठीक है इंक्लूड की जाएंगी और वो एलिजिबल रहेगी ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी एलिजिबिलिटी है और फिजिकल का भी डेटा हम देखेंगे, क्या फिजिकल रहेगा वो भी देखेंगे। तो फिजिकल के लिए देखिए बता दूं मैं आपको, अगर कैटेगरी वाइज बात करी जाए हाइट की और मैन में बात करी जाए जनरल ओबीसी और एससी के लिए तो 168 सेंटीमीटर्स की जो हाइट रहेगी ओके। और अगर मेल में एसटी की बात करी जाए तो 160 सेंटीमीटर रहेगी ओके। और अगर चेस्ट की बात करें हम चेस्ट में मैन में बात करें जनरल ओबीसी और एससी की तो 79 से जो होगी वो फूल का 79 से उसको बढ़ानी कितनी है 84 सेंटीमीटर तक और यहाँ पर एसटी के लिए बात करें 77 से लेकर 82 तक उसको बढ़ानी है। और रनिंग की बात करें अगर मेल में जनरल ओबीसी और एससी के लिए तो 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, तो यह 25 मिनट मत कीजिएगा 24 मिनट
30 सेकंड कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 मिनट 30 सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है। वहाँ जो ग्राउंड होता है वो बड़ा आपको नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आपका जो एक स्टैंडर्ड साइज रहता है उसका। अब फीमेल की बात करें, हाइट में देखें तो 152 सेंटीमीटर होगी ओबीसी, एससी और एसटी, एससी और अगर एसटी की बात करें फीमेल की, तो 147 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, रनिंग की बात करें तो इसमें रनिंग जो रहेगी 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में, मतलब आपको लगभग लगभग 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 13.30 सेकंड में। इतना का बोल रहा हूँ 30 सेकंड, इसलिए क्योंकि मार्जिन आपको होना चाहिए कम से कम 10 सेकंड का मार्जिन आप लेके चले अपने आप से। 10 सेकंड में यहाँ से आपको 30 सेकंड का मार्जिन दे रहा हूँ, तो आप कम से कम 10 या 15 का खुद से लेके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन किसकी थी? यूपी पुलिस की जो जो वैकेंसी है ये उसकी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और बाकी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक बटन दिया हुआ है, किसका बटन दिया है, एक थम्सअप का बटन दिया है, लाइक का बटन से दबा दीजिएगा। उसके बाद आएगा एक शेयर का बटन भी पास में दिया, उसे शेयर कर दीजिए। इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, आपके दोस्त आपके फ्रेंड्स जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, उसके बाद आएगा एक बेल का आइकन, दोनों को दबा दीजिएगा फ्रेंड, जिससे क्या हो जितनी भी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या हो जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको ईजिली मिल सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।